अब इसको ऐसे खोल देंगे। ये बात अभी देखो, अभी आएगा, अभी मजा आएगा बरू। मेरे को नहीं आ रही भाई, मेरे को तो नहीं आ रही। एक मिनट आता हूँ मैं, ये लगा दूँ नहीं तो उड़ जाएगा ये। भाई को यहाँ पे अजवाइन की स्मेल आ रही है। हाँ जी, ये डिनर बन के हो चुका है बिल्कुल रेडी। ये देखिए जी, सलाद, सब्जी, देसी घी, सब कुछ। काजा का देसी घी है भाई, काजा वालों का ये। और खाना वगैरह सब कुछ बना लिया है, तो अभी हम खाएंगे भाई। और खा के उसके बाद, थके हुए बहुत हैं आज, तो जल्दी सो जाना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। अब तो अगर किसी ने खाना है तो आ जाओ भाई, काफ़ी अच्छी बनी है सब्ज़ी, काफ़ी टेस्टी बनी है। तो कैसे लगा जी आपको आज का व्लॉग? उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगा होगा। तो सब्जी रख दी जी मैंने, ये देखो भाई कैसा कलर आ रहा है भाई, क्या लगता है कैसी बनेगी गोभी? ये रख दी है, और अभी करते हैं आटा रेडी। आटा रेडी करके फिर बनाएंगे बढ़िया बढ़िया वाली चपाती। हाँ जी, ये डिनर बन के हो चुका है बिल्कुल रेडी। ये देखिए जी, सलाद, सब्जी, देसी घी, सब कुछ। काजा का देसी घी है भाई, काजा वालों का ये जी। तो कैंपिंग का करते हैं सेटअप अच्छे से, बढ़िया वाला लगाते हैं आज, और फिर उसके बाद अच्छे वाला खाना बनाएंगे। और सबसे पहले मैं इसको खोल दूँ, और पहले वाले व्लॉग में भी आई थिंक आपने देखा होगा इसको कि कैसे मैं लगाता हूँ। और कोई फर्स्ट टाइम देख रहा है तो उसको भी क्लियर हो जाएगा कि ये तोप सी क्या चीज़ है। काफ़ी मेरे पास क्वेश्चन आते हैं कि इसको पूरा सेटअप लगाओ। तो फाइनली आज जब अच्छी लोकेशन मिल जाती है कोई, तो वहाँ पर फिर मैं ज़रूर इसको लगा लेता हूँ। तो खोलते हैं भाई इसको। हवा तो थोड़ी तेज़ चल रही है, बट वो रात को कम हो जाएगी, अक्सर कम हो जाती होती है पहाड़ों में, रात को हवा कम हो जाती होती है। रिपीट में बोल रहा हूँ, कोई इशू नहीं है। चलो इसको, अगर हवा ज़्यादा आ गई ना फिर ये टेंट सारा टूट जाना है। पहले भी एक बार ख़राब कर चुका हूँ मैं। रहन तो क्यों दूँ भाई, लगाएंगे अब लगाएंगे। नहीं इतनी हवा नहीं है, चल जाएगा काम, इतनी भी नहीं है। आई तो कोई चक्कर नहीं, फिर क्या संभाल लेंगे, ऐसी भी क्या दिक्कत है। हाँ अच्छी साइट मिली है कैंपिंग की, तो माहौल तो बनना चाहिए ना। अब इसको ऐसे खोल देंगे। ये बात अभी देखो, अभी आएगा, अभी मजा आएगा बरू। मेरे को नहीं आ रही भाई, मेरे को तो नहीं आ रही। एक मिनट आता हूँ मैं, ये लगा दूँ नहीं तो उड़ जाएगा ये। भाई को यहाँ पे अजवाइन की स्मेल आ रही है, लग जा भाई, ये लग गया। अब इसको अच्छे से बांध देते हैं तो हो जाएगा ओके रिपोर्ट काम सारा। ये देखो अब इसको, हाँ जी बन गया ना मॉल। करा ओके हो चुका है सब कुछ, और ये वाली लाइट भी अभी मैं ऑन कर लेता हूँ। और काफ़ी दिन हो गए हैं अच्छा सा खाना बना के नहीं खाया, और हमारे पास जो गोभी ली थी वो घूम रही है। और अलवेला भाई लाओ फिर गोभी आज बनाएं। हाँ अच्छा माहौल बना है, चारों तरफ क्या पहाड़ हैं, और साथ में आलू और गोभी, पनीर भी नहीं है। आ रहा हूँ भाई, मैं आ रहा हूँ, मैं लाइट ऑन कर दूँ पीछे वाली, आपने जाना नहीं है कहीं। के साथ ये स्लो क्यों चल रही है? अब मुझे क्या पता, इसे कम है ना इसकी लाइट, बहुत कम है, इसको कोई दिक्कत हो गई यार। लाइट चेंज नहीं, इसको कुछ हो गया होगा, इसका तार तो हिली होगी यार।
वो जला के देखो, इसको छोड़ो, वो पहले नीचे वाले जला के देखो। अरे भाई मेरी लाइटें कम जवाब दे चुकी हैं। ये ना सब्जी वगैरह आप बाहर बैठ के ना, आज खड़े हो गए नहीं आज ना। अच्छा इधर इधर लाइट में बैठ। हाँ यहाँ यहाँ पे टाइम लगा के आप अपने वाले भी चेयर लगाओ यहाँ पे बैठ के, आप दोनों ही बैठ सकते हैं अभी। और तो कोई गलत बात नहीं करनी भाई, जैकेट गिर गई थी नीचे और ये हो गई थी ख़राब। अभी वो उस लाइट पे मैं ये वाली जला के देखता हूँ ना कि उस पे आ रहा है या नहीं आ रहा। अभी तो पार्टी शुरू हुई है ये बोल रहे हैं भाई। बताओ क्या पार्टी, आलू गोभी के साथ कोई पार्टी होती है यार? भाई हम आलू गोभी में खुश हो जाते हैं, दलिया खाने वाले बंदे हैं। अलवेला भाई भी ऐसे ही है, सुबह सुबह उठ के दलिया खा लेते हैं, बस उसी में हम खुश हैं, कोई चक्कर नहीं है। अभी मैं इसको जला के देखता हूँ क्या सीन रहेगा। अरे भाई वोल्टेज कम होगी, बैटरी की वोल्टेज कम होगी मेरे वाले की, वोल्टेज नहीं उठा रही। डस्टबिन कहाँ पे अपना? ये रहा आलू, पहले तुलेंगे कि पहले छील दो? पहले वो आलू वॉश कर दो आप, पहले दो टमाटर वॉश करके दे दो मुझे। तो भाई आज हो रही है अच्छे वाली कैंपिंग और साथ में ज्वाइन हो रहे हैं अलवेला जी। हेलो, आज बहुत थके हुए हैं इसलिए एकदम अच्छे से खाना बनने वाला है। बढ़िया खाना और कैंपिंग साइट आपको दें, जैसे पहले देख ही ली हो काफ़ी अच्छी है, तो जब कैंपिंग साइट अच्छी मिल जाती है तो भाई हम ऐसा सेटअप सा लगा लेते होते हैं, बढ़िया लगता है भाई, थोड़ा सा फील ले लेते हैं, अकेला बंदा और करे भी क्या, फील ही है क्यों अलवेला जी? सही बात है, बाकी इसका उद्घाटन आज पहले दिन ही हुआ है, पहली बार ये लाइट जली है। हाँ कैंपिंग साइट मिली अपने को तो। जी सही बोला आपने, और आज का दिन आपने देख ही लिया कि कैसा था, सारा दिन पूरा प्रॉपर ऑफ रोडिंग चलती रही। और पहले भी मैंने कई बार बोला है भाई, जैसे लद्दाख में था मैं, क्या चाहिए आपको? हरी मिर्ची। हरी मिर्ची तो सब्जी में आप रखाए होंगे मेरे को लगता है, लाओ ढूंढ के। और लद्दाख वाले ट्रिप में भी मैंने सेम चीज़ बोली थी भाई, एक तो आप सिडान क्लास में कभी भी इधर मत आओ, मनाली तक आओ ठीक है, अगर आप इस साइड स्पीति या लाहौल जा रहे हो तो फिर मत जाओ, आप सिडान में मत आओ। रास्ते में बहुत आपने जैसे लास्ट व्लॉग देखा है तो उसमें आपने देखा होगा कि लोग कैसे स्टक हो रखे थे, लास्ट नहीं इसी व्लॉग में देखा होगा सॉरी, लोग कैसे स्टक हुए हैं, तो वो प्रॉब्लम आने वाली है। अभी रास्ते से आपको वापस आना होगा, और एक वहाँ पे पिकअप खड़ी थी उसकी क्लच प्लेट उड़ गई, वो भी उसमें मतलब मुर्गे वगैरह बेचारे ने रख रखे थे, वो अगर इतनी ठंड में उसको कोई ना आया लेने तो वो मर जाएंगे। तो मतलब इन चीज़ों का आप ध्यान रखो। और दूसरी चीज़ पंचर किट वगैरह भाई आप अपने साथ में ज़रूर रखो, जैसे हमारी जो कैंपरमैन है भाई की है मेरे, हमारे पास दोनों के पास है, पंप हो गया है ना हवा भरने के लिए, और दूसरा पंचर किट होगी और टूल हो गया भाई। ये तो एक छोटी चीज़ है, चलो आप रेगुलर ट्रैवल नहीं करते है ना, कभी कभी ट्रैवल करते हो, फिर भी पंचर किट तो आप अपने साथ में रखो, वो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी स्टपनी वगैरह वो चेक करके रखो गाड़ी की, वो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो भाई स्पीति में ऐसे मत आना भाई, बहुत सारे झरने और पता नहीं कितना क्या कुछ क्रॉस करते होगे, जैसे आप लोग में देख ही रहे हो, तो फिर आपको बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। उससे अच्छा है कि आप अपना इंतजाम करके ही निकलो, क्यों भाई? हाँ जी, एक चीज़ मैं भी ऐड करूँगा, अगर किसी ने स्पीति करनी है तो वो शिमला साइड से करे। हाँ साइड से स्पीति काजा जाने में बहुत दिक्कत हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने, जो आपने देखा है ना जो गाड़ी स्टक हो रखी थी, वो इधर से उधर ही जा रहे हैं, इसलिए वो फंसे हैं, जो उधर से आ रहे हैं वो सही आ रहे हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही। और बाकी कुंजम पास पे चढ़ने में भी इधर से इस साइड से बड़ी दिक्कत होती है। और एक चीज़ जो एक्सपीरियंस करी कि आप भाई जब भी आप स्पीति आते हो तो यहाँ पर नेटवर्क नहीं आता, चंद्रताल काजा से लेके जब मनाली आप आओगे तो आपको या एक दिन है या दो दिन है वो आपको बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं मिलने वाला, तो आप अपने घर पे थोड़ा बता के आएँ, क्योंकि रास्ते में थे भाई कोई, वो उन्होंने घर पे बताया नहीं कि वो जा रहे हैं, तो वो हर एक गाड़ी को अपने घर का नंबर दे के बोल रहे थे कि प्लीज़ हमारे घर इन्फॉर्म कर दो कि दो दिन तक हमारा नेटवर्क नहीं आएगा या ऐसा कुछ होगा। सो उससे अच्छा है कि आप भाई इस चीज़ में थोड़ा ध्यान रखें, जो भी आप लोग देख रहे हो अगर आपका कोई नॉन प्लान कर रहा है स्पीति जाने का तो इस चीज़ का भी थोड़ा ध्यान रखें। चलो सियानी बातें बहुत होगी,
और सुनाओ भैया लवेला जी फिर। एकदम थकान हो रखी है लेकिन फिर भी अब खाना बनाने का एफर्ट मारना पड़ रहा है। पर ठीक है, इसमें भी फन है, अच्छी लोकेशन में बैठ के खाना बना रहे हैं। ये कैंपर वैन का फायदा है कि अगर बीच में हम लोग कहीं पे भी रुक भी जाते तो भी खाना वाना बनाने में कोई अपने को इश्यू नहीं होता। वे बहुत ज्यादा बेनिफिट है कैंपर वैन का, हद से ज्यादा। मतलब क्या ही बात है, कहीं से मतलब हमें कुछ चाय तक की, आपने कॉफी बना ली? कॉफी अभी बनाऊंगा। क्या बात करते हो भाई, मेरे को बोल रहे थे भी आप सब्जी कटो, मैं कॉफी बना रहा हूँ। यार आप ये जब से मुझे मिले हैं ना पिछले 5 दिन से मेरे से सब्जी दिलवा रहे हैं, मेरे से बर्तन दिलवा रहे हैं। अरे भाई मैं अभी मेरे से आलू दिलवा रहे हैं तो मैं कॉफी कहाँ से बनाऊं भाई। तो मैं बना नहीं रहा भाई, ये बताओ भाई सुबह सुबह देसी घी में पोहा कौन बनाता है? अब आपने आपने देखा होगा, सुना भी होगा, इन्होंने बोला कि आलू धुल दो, अब मैं आलू धुल रहा हूँ तो बोले कॉफी बना। दोनों काम एक साथ कैसे होंगे आप बताओ भाई, मल्टी टैलेंटेड होना चाहिए, पहले कॉफी रख के आगे आलू छीलते आप। फिर बात बननी थी। अभी अभी करते हैं, चलो कोई नहीं, 2 मिनट रुको। एक तो हर बात में 2 मिनट आ जाता है। जो काम जल्दी में होने वाला है उसको जल्दी करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये पूरा ट्रेंड हो गया भाई स्पीति में। और अभी अलवेला जी तो जा रहे हैं लद्दाख के लिए, और मैं अभी निकलूंगा नॉर्थ ईस्ट के लिए, तो लद्दाख वाला एक्सपीरियंस अच्छा हो गया स्पीति में। अब तो नहीं आप अटकोगे कहीं में ना? हाँ वैसे मुझे ऐसा लगता है कि जो सबसे एडवेंचरस ट्रिप होती है वो स्पीति वाली है, ये जो रूट है काजा से मनाली वाला, ये भी है, और जो आप बारालाचा जो उतर जाते हैं वो भी है। अच्छा, ये सारे ऐसे जब स्नो वगैरह होती है ना। हाँ, बट उतर, मैंने ये कर लिया तो मेरे को अब उसमें इतनी दिक्कत नहीं, नहीं आएगी, दिक्कत नहीं आएगी। अभी आपका माइंड सेटअप हो गया, अभी ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिक्कत कहीं नहीं आती, बंदे का सारा माइंड सेटअप होता है भाई। आपने अपना माइंड सेट कर लिया ना, अब हमारा माइंड सेट है भी कुछ भी हो गया कोई चक्कर नहीं, रोकेंगे खाएंगे पिएंगे सो जाएंगे, अगले दिन देखेंगे क्या करना है, बस घर से ऐसे ही निकलो भी कोई चक्कर नहीं, कोई प्रॉब्लम आ गई तो ठीक है, बस आराम से सो जाएंगे, जब सही होएगा फिर निकल जाएंगे। हाँ, प्रॉब्लम आ भी गई तो रास्ते में इतने लोग मिलते हैं ना, कोई ना कोई हेल्प कर ही देगा, कर देता है, कोई इशू नहीं, टेंशन लेने का कोई सेंस नहीं है। और ट्रैवल करो, ट्रैवल से जिंदगी बन जाएगी। ट्रैवलिंग तो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, आपने वो लोग देखा भी होगा पाजी का कि जिसमें, या रील्स देखी होगी जिसमें एक वो पाजी थे 70 साल के। हाँ, हम जिस एज में 70 साल वाले से जब बैठ के बातें करेंगे वो अपने लाइफ का कितना एक्सपीरियंस अपने साथ शेयर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल भाई, नेचर चेंज हो जाएगा, आपकी सोच चेंज हो जाएगी, आपका बात करने का तरीका चेंज हो जाएगा, लोगों के प्रति सोचने का नज़रिया आपका चेंज हो जाएगा जब ट्रैवल करेंगे। हम 3-4 दिन पहले एक दूसरे को जानते ही नहीं थे, देखो ट्रैवल कर रहे हैं, अब इकट्ठे बैठे हैं, खाने खा रहे हैं, खाना बना रहे हैं, देखो क्या कुछ है ना। अब उनका पता नहीं क्या रह गया, वो बाकी उधर को जा रहे हैं। फिर मेरे को बोलेंगे मेरे से बर्तन साफ करो। भाई पानी मैं डालता होता हूँ जब आप साफ करते हो। अब देख लो अब क्या हो रहा है, वो सच सामने आ जाएगा। पानी नहीं डालता होता आप। एफर्ट तो पूरे लगा रहा हूँ ना, खाना बना रहा हूँ यार, मैं बढ़िया बढ़िया आपको बना के खिला रहे हैं। है। नहीं भाई दोनों कर रहे हैं, बहुत अच्छा, चलो बना के खिला रहे हैं, पोहा इन्होंने बहुत अच्छा बना के खिलाया है, मजाक की बात अलग है, मेरा तो रोटी खाने के बनाने का मन ही नहीं है, बाकी इन्होंने बना के खिलाई है तो बहुत अच्छी, बाकी सब्जी वब्जी इन्होंने बहुत अच्छा खिलाया, मजाक की बात अलग है। सीरियस हो गया मैटर, देख लो सीरियस मैटर हो गया भाई, मजाक की बात अलग है, बर्तन वर्तन भी दोनों साथ में मिलके धुलते हैं। नहीं भाई बढ़िया है, अच्छा चल रहा है, जो अब 4-5 दिन बढ़िया हमने बिताए, बढ़िया रहे हमारे। चलो अभी देखते हैं, मनाली से ये उधर निकल जाएंगे और मैं निकलूँगा नॉर्थ ईस्ट में। तो सब्जी रख दी जी मैंने, ये देखो भाई कैसा कलर आ रहा है भाई, क्या लगता है कैसी बनेगी गोभी, ये रख दी है। और अभी करते हैं आटा रेडी, आटा रेडी करके फिर बनाएंगे बढ़िया बढ़िया वाली चपाती। तो जी अभी क्या है कि पड़ोसियों का ना फ़ायदा काफ़ी होता है, चाहे वो गांव में हो, चाहे किसी दूसरे शहर में हो, कहीं भी हो, अगर पड़ोसी भी अच्छा मिल जाए ना तो काफ़ी फ़ायदा होता है। अलवेला जी आटा नहीं है, आटा लेके आओ, स्पेशली आपके लिए खरीद के रखा है हमने। क्या बात है, थोड़ा सा डाल दो भाई, जब जब मैं लूँगा ना, गाँव में ऐसे ही होता है ना कि जब मैं लेकर भाई मैं वापस कर दूंगा। कोई बात नहीं, हम आपसे वापस नहीं लेंगे, आप बना के खिला रहे हो वही बड़ी बात है। अरे क्या बात है। अरे क्या हुआ, मुझे ऐसा लगा इसमें कुछ, नहीं नहीं मैंने झाड़ साफ कर दिया था इसको, आटे में
कोई बात नहीं, इतना तो आप तो नॉन वेज खा ही लेते हो। रख दो साले, आप नहीं खाते हो ना, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो करो इसको साफ, बस सब्जी इधर रख दीजिए। अब इसके बाद आटा डाल के, तो आटा गूंदना आता है आपको? आटा गूंदना आता है, गूंदेंगे। नहीं मैं गूंदूंगा, वैसे पूछ रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी, अब बना नहीं रहे कुछ भी, लेकिन आपके साथ रह के सब कुछ सीख लेंगे, आप सिखा दो, एक काम करो। चार्जेस बहुत ज़्यादा लगते हैं जो मेरे से कुछ सीखता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बस सब बस, सब हो जाएगा, ठीक है। मैं ना हर व्लॉग में बोलता होता हूँ, कोई किस्मत वाला ही होगा जो मेरे हाथ का खाएगा। देख रहे हो, मैं किस्मत वाला, ये कोई रिपीट में देख रहा होगा तो जरूर बताएगा कमेंट में। मैं बोलता होता हूँ मैं कोई खाएगा मेरे हाथ का। सही बात है भाई, मैं नॉर्मल खाली सब्जी वब्जी काट देता हूँ, या वो भी नहीं काटता कभी कभी, तुम पाजी बनाते सब कुछ सुबह से। अरे नहीं नहीं भाई यार, सारा ये साफ करते हैं, सारा दिन लेके ना साबुन और वो सारा दिन बर्तन चलते हैं साहब। अब भाई खुला काम चल रहा है, अभी तो सुबह दोपहर है शाम, तीनों टाइम। भाई घर पे क्या होता है कि बंदा सुबह बना लेता है, चलो कहते हैं कि एक टाइम सब्जी बना ली, चलो शाम को वो रिपीट में कर लेंगे। हम लोग तीनों टाइम फ्रेश बना के खिला रहे हैं, हम जैसा कोई हो सकता है बताओ? साथ में रहने का ये फायदा होता है, तीनों टाइम। आज ही बार तो बाहर खा रहा था, जब से पाजी आए तब से बाहर का खाया ही नहीं है। अपना कुछ खर्चा ही नहीं हुआ ना, कुछ भी नहीं हुआ। ताजा में थोड़ी सब्जी खरीदी 450 की, वो वाली, उसके अलावा कोई खर्चा नहीं, और कोई खर्चा नहीं करा हमने। पानी भर रहे हैं हम झरनों से, फ्रेश पानी ले रहे हैं, नहा रहे हैं बढ़िया, नदी के अंदर जा जाके नदी में आराम से। मतलब काजा अगर कोई गया तो उसको पता होगा जहाँ से वो उनके पानी लेके आना, अब आटा गूंदने के लिए थोड़ा सा, मतलब उसको पता होगा जहाँ डंपर भर के लाते हैं काजा में पानी पीने के लिए, नदी में से नदी के अंदर ले गए। आपने पहले वाले व्लॉग में शायद देखा होगा, वहाँ हम गाड़ियाँ अंदर ले गए, वहाँ पे आराम से खुले नहा रहे हैं भाई, बिल्कुल ओपन में। क्या नज़ारा था भाई, बहुत बहुत चल रहा है, काफ़ी बढ़िया चल रहा है। बस अभी सब्जी बना के, और सब्जी बन जाएगी इधर से, आटा तैयार हो जाएगा, फिर बढ़िया खाएँगे खाना, नज़ारे नज़ारे। सबसे बढ़िया चीज तो आज वाला एडवेंचर हुआ है। हाँ, आज का भाई आपने जैसे मैंने ज्यादा एडवेंचर कर लिया आपसे। अलवेला जी एक्सपीरियंस कर रहे हैं नए नए, वही शॉर्टकट शॉर्टकट के रास्ते चूज कर रहे हैं, वही 4x4 थोड़ी ना। लेकिन वो भी फन था, उसमें मजा आया, आज पता लगा कि नहीं भाई ऐसे ऐसे नहीं करना। ये भी है, चलो जब हाइट पे चढ़ रहे हो ना तो एक नंबर में चढ़ना है। मैं उधर से भगा के ला रहा था दो नंबर में, फिर जब रुक जा रही थी तब एक नंबर डाल रहा था, तब तक क्या, तब तो रुक गई, फिर वापस बैक जाना पड़ रहा। एक नंबर का मतलब है पहला गियर, दो नंबर का मतलब है दूसरा गियर। ये दो नंबर में चल रहे थे, फिर इनको एक नंबर में करा, उसके बाद तो नहीं रुके भाई, जहाँ से थार जा रही थी वहाँ से हम जा रहे हैं। इनका 5-6 महीने का एक्सपीरियंस काम आ गया आज। हाँ, अब मेरे को लद्दाख वाले में बहुत हेल्प होगी इससे। भाई एक चीज़ मैं और बताना चाह रहा हूँ कि कुछ लोग ना हमें कॉपी कर रहे हैं, जैसे मेरे को कोई काफ़ी टाइम से लोग देख रहे हैं ना, वो सोचते हैं कि मैं वैन पे घूम रहा हूँ, इको वैन पे, कि मेरी गाड़ी तो चली जाएगी। भाई ये ज़रूरी नहीं है, पेट्रोल पे है, 1200 cc है, रियल व्हील ड्राइव है, ये कामयाब है। अगर आपकी अर्टिगा गाड़ी है वो फ्रंट व्हील में है, वो नहीं चढ़ेगी, ये चढ़ जाएगी। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। कहीं आप ये कई मेरे को मिले थे कुछ लोग, वो बोल रहे थे कि भाई ये जा सकती है, हम क्यों नहीं जा सकते, फिर वो रास्ते में मतलब अटके रहेंगे, उसका कोई सेंस नहीं बनती। ये नहीं कहीं रुकती इसकी, ये खासियत क्योंकि इसका वेट कम है, इसका वेट ज़्यादा नहीं है, ग्राउंड क्लीयरेंस इसका थोड़ा ठीक है, और मैंने थोड़ा व्हील बेस भी थोड़ा बड़ा डलवा रखा है, उसके करके ये निकल जाती है, पानी पुनी में से भी निकल जाती है। तो आप इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना, कॉपी करें तो थोड़ा ध्यान से करें भाई। नहीं, हम लोग भी एडवेंचर करते हैं, उनको देख के एडवेंचर मत करना, वो बड़ा रिस्की हो सकता है, काफ़ी रिस्की हो सकता है। अभी अगर आप ये व्लॉग देख ही रहे हो, बहुत रिस्की है भाई, और अकेले तो बिल्कुल ही मत करना। अगर आप कभी पहले ट्रैवलिंग नहीं की हो तो किसी के साथ ट्रैवल करो, ग्रुप में ट्रैवल करो, अकेले ट्रैवल मत करो, क्योंकि हम लोगों को तो बहुत एक्सपीरियंस है अकेले ट्रैवल करने का। तो अकेले ट्रैवल करना, जैसे हम कहीं पे भी, अच्छा वो बात बताओ जहाँ पे अपन ने कैंपिंग करके रखी थी ऊपर में कॉमिक विलेज में, कॉमिक में अगले दिन क्या हुआ था? हाँ, वहाँ पे वो क्या था, स्नो लेपर्ड भाई, वो बकरी वाला था। हाँ, हमें पता नहीं था, रात को हम 12 बजे तक ऐसे ही बैठे हैं लगा के सेटअप, आराम से खा पी रहे हैं। नेक्स्ट डे क्या हुआ, जो बकरी वाले चारने वगैरह आते हैं वो आया, उसकी बकरी को एक स्नो लेपर्ड उठा के ले गया। उसके बाद भाई हमने बोला भी रात अपने पास में था, बहुत बिल्कुल पास में, सारी जो बकरियां थी ना उसकी, वो भागने लगी थी, भागने लगी, फिर उसके बाद देखा वो उठा के ले गए भाई उसको, वो एक जो छोटा बच्चा था उसका, उसको उठा के ले गए। मैंने सोचा भाई बच गई रात, और कुछ नहीं था, बिल्कुल डार्क नाइट में कैंपिंग की थी, बिल्कुल डार्क नाइट में, मतलब चिड़ी की आवाज़ भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था वहाँ पे। यहाँ पे तो आसपास में बहुत सारे कैंप लगे हुए हैं, काफ़ी कुछ है। तो इधर भाई आटा हो चुका है तैयार, आज फिर कहने खाने का। हाँ जी, ये डिनर बन के हो चुका है बिल्कुल रेडी, ये देखिए जी
सलाद, सब्जी, देसी घी, सब कुछ। काजा का देसी घी है भाई, काजा वालों का ये। और खाना वगैरह सब कुछ बना लिया है, तो अभी हम खाएंगे भाई। और खा के उसके बाद थके हुए बहुत हैं आज, तो जल्दी सो जाना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। अब तो अगर किसी ने खाना है तो आ जाओ भाई, काफ़ी अच्छी बनी है सब्ज़ी, काफ़ी टेस्टी बनी है। तो कैसे लगा जी आपको आज का व्लॉग? उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगा होगा। तो अभी हम खाना वगैरह खा लें भाई, और खाना खाते खाते बात करेंगे तो वो मज़ा नहीं आएगा। इससे पहले तो बिंदु रखी अजय जी भी सब चल रहे थे अभी, 90s वाले गाने लगा के, स्लो स्लो वाले, और बटर लगाया रोटियों पे, अच्छे वाला देसी घी, काजा वाला प्योर वो, और गोभी की सब्जी है, और उसके साथ बढ़िया खाना खा के और आराम से सोएंगे। वेदर है वो काफ़ी अच्छा है, बहुत बढ़िया, बहुत ठीक है। और हमारी स्माइल से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्या मज़ा आ रहा है यहाँ पे। बहुत अच्छा है भाई, कैंपिंग की लोकेशन बहुत अच्छी है। तो ठीक है जी, अभी के लिए बाय बाय। तो कैसे लगा आपका व्लॉग, आपको मेरा ये व्लॉग कमेंट सेक्शन में बताना। और आप कुछ जी, बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब गिल ऑन व्हील्स एंड अलबेला इंजीनियर। बाय बाय।